दोस्तों, अगर आपके फ़ोन में जो पावर बटन है वो काम नहीं कर रहा, तो पावर बटन को आप जो है अपने वॉल्यूम बटन से भी यूज कर सकते हो। उसका तरीका बताने वाला हूँ मैं कैसे करना है। आपको इसके लिए एक ऐप की मदद लगेगी जो कि प्ले स्टोर पर मिल जाएगा। आपको प्ले स्टोर पर सर्च करना है, मैं दिखाता हूँ आपको। आपको प्ले स्टोर में दोस्तों ये वाली ऐप को सर्च करना है, पावर बटन टू वॉल्यूम बटन। मैंने इसको यूज करा है इसलिए बता रहा हूँ। इसको यूज कैसे करना है इस ऐप को वो भी जान लीजिए। इसको केवल इंस्टॉल करने से ये यूज़ नहीं करेगा, काम नहीं करेगा। आपको बताता हूँ आगे कैसे काम करना है। इसको सबसे पहले तो इंस्टॉल कर लो, देख सकते हो इंस्टॉल हो रहा है हमारे फ़ोन में। और इंस्टॉल होने के बाद इसको जो है ओपन करके मैं दिखाता हूँ इसके सेटिंग्स कैसे आपको इनेबल करनी है। सबसे पहले यहाँ पर देख सकते हो स्टार्ट वॉल्यूम पावर ऑन बूटअप। जैसे आपका फ़ोन जब ऑन होगा, आपको ये भी बताऊँगा अगर आपका फ़ोन ऑफ हो गया तो ऑन कैसे करना है। अगर आपका फ़ोन जो है ऑफ हो गया है तो ऑन करते टाइम पे ही जैसे आप इसको स्विच ऑन करोगे वैसे ही आपका वॉल्यूम पावर जो है वॉल्यूम बटन पावर बटन की तरह काम करने लगेगा इसको इनेबल करने पे। और यहाँ पे देख सकते हो टर्न स्क्रीन ऑफ फ्रॉम नोटिफिकेशन बार, इसको एक इनेबल कर लेना। क्योंकि अगर आपका पावर बटन नहीं चल रहा है तो पावर बटन जब आप प्रेस करते हो स्क्रीन को बंद करने के लिए, वो ऑप्शन आपके जो है नोटिफिकेशन बार में ऊपर आ जाएगा। क्योंकि वॉल्यूम बटन से तो वॉल्यूम भी कम करना है आपको, तो इसको जो है इनेबल करेंगे। देख सकते हो स्क्रीन ऑफ पे हमने जब जैसे टच करा तो यहाँ पे आ रहा है हमारे पास एक्टिवेट डिवाइस एडमिनिस्ट्रेटर। तो यहाँ पे जस्ट आपको इनेबल कर देना है। अगर आपको ये ऑप्शन नहीं मिलेगा तो सेटिंग्स में भी जाओगे तो आपको मिल जाएगा। देख सकते हो जब आपका फ़ोन रिस्टार्ट होगा तब ये काम करेगा कह रहा है, ठीक है। तो कोई बात नहीं, फिर ये जो बूट जो है इसको भी ऑन कर देंगे, अब जो है हमारा काम करने लगेगा ये। बस लास्ट स्टेप ये है कि ऊपर देख सकते हो नोटिफिकेशन बार में अभी आया नहीं है, ये कैसे आएगा बता देता हूँ। यहाँ पे जो इनेबल डिसेबल लिखा हुआ है इसको एक बार टैप करो तो यहाँ पे लिखा जाएगा डिसेबल्ड या इनेबल्ड। देख सकते हो अगर यहाँ पे इनेबल्ड हो गया है, देख सकते हो पर्पल थोड़ा हो गया है, तो आपके नोटिफिकेशन बार में ऊपर इनेबल रहेगा तब यहाँ पे ये आ जाएगा। ये क्या आया है, इसके ऊपर अगर आप टैप करोगे तो आप अपने फ़ोन को लॉक कर पाओगे आसानी से। और वॉल्यूम डाउन बटन देख सकते हो मैंने अभी दबाया और मेरा फ़ोन जो है ऑन हो गया। इस तरीके से आप अपने वॉल्यूम बटन को जो है पावर बटन की तरह इस्तेमाल कर सकते हो। कोई भी सवाल हो तो कमेंट करना, मैं रिप्लाई करूँगा। वीडियो को लाइक करके शेयर करना, चैनल प्लीज़ सब्सक्राइब कर दो, कोई चार्ज नहीं लगता। मिलते हैं किसी काम के टेक की वीडियो में।